असलम स्टूडेंट्स पिछले मॉड्यूल में हमने स्ट्रेटजिक प्लानिंग के हवाले से प्रॉब्लम एनालिसिस की बात की कि सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे पहले सोशल प्रॉब्लम का एनालिसिस करना ज़रूरी है जिसको वो हल करने के बारे में सोच रहे हैं अगला स्टेप जो है वो विजन और मिशन को क्लियरली स्पेल आउट और चाक आउट करना है विजन हमने पहले भी इसके बारे में बात की है वो एक तरह से एक इमेज है उस चेंज्ड वर्ल्ड का जिसके बारे में सोशल एंटरप्र्योर सोच रहे हैं कि जो काम वो करने जा रहे हैं उसको करने के बाद दुनिया में क्या तब्दीली आएगी तो उस तब्दीली का एक विजन है जो कि विजन स्टेटमेंट में आता है ये एक बहुत ब्रॉडर आइडियल किस्म की स्टेटमेंट होती है जो स्पेसिफिक जो कंसर्नस हैं उनके बारे में नहीं होती इसमें जो सोशल एंटरप्रेन्योर का आइडिया है जो उसकी सोच है जो उसका पैशन है वो लफ्जों में ट्रांसलेट होता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ऑर्गनाइजेशन एक सोशल एंटरप्रेन्योर जो है वो पॉवर्टी के हवाले से काम करने का सोच रहे हैं तो प्रोबेबली उनकी जो विजन है वो उसको इस किस्म के लफ्ज़ों में लिखा जाएगा अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी हंगर वॉन्ट स्कॉलर या कुछ इस किस्म की चीज़ें मतलब एक आइडियल सिचुएशन जिसमें वो एक ऐसी दुनिया का विजन जो है वो रखते हैं जिसमें कोई गरीब नहीं होगा कोई भूखा नहीं होगा किसी की ज़रूरियात जो हैं वो नहीं अनमेट होंगी तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो विजन हम आ, में हम अमूमन रखते हैं जबकि जो मिशन स्टेटमेंट है वो वो स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जो कि उस विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसे रियलिटी बनाने के लिए लिए जाते हैं और मिशन स्टेटमेंट में उनको बाकायदा लिख कर स्पेल आउट करके कि इस विजन को अचीव करने के लिए दुनिया को बदलने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाएंगी जो स्टेप लिए जाएंगे वो कौन कौन से हैं मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसके मिशन और विजन के बारे में बताऊंगी जिससे मैं वाकिफ़ हूँ ये एक छोटी सी सोशल एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अंडरसर्वड यूथ जो है उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन और ट्रेनिंग ऑफर करती है तो नेचुरली uh, मेरा एक इंटरेस्ट था देखने में कि ये कौन लोग हैं क्या कर रहे हैं तो बेसिकली उनका जो विजन है जो उन्होंने लिखा हुआ है वो है अ वर्ल्ड इन विच एवरी यंग पर्सन फाइंड्स अ पाथवे टू प्रॉस्परिटी एक ऐसी दुनिया जिसमें हर यंग पर्सन हर नौजवान जो है उसको प्रॉस्पैरिटी या खुशहाली का रास्ता मैसर होगा इट्स ह्यूज स्टेटमेंट एक आइडियल एक प्रॉमिस है इसमें एक वादा है कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे दुनिया इस तरह बदल जाएगी कि प्रोबेबली कोई यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे यंग लोग जो हैं उनको काम मिलेगा और वो खुशहाल हो जाएंगे लेकिन इट्स ह्यूज प्रॉमिस इसको अचीव कैसे करना है तो ऑफ कोर्स आई नीडेड टू एग्जामिन द मिशन स्टेटमेंट जो मिशन स्टेटमेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन की वो कुछ इस तरह से है वी प्रोवाइड एंटरप्रनोरियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू यूथ इन अंडर सर्वड कम्युनिटीज हम ऑर्गेनाइजेशन या सोशल वेंचर जो है वो अंडर सर्वड कम्युनिटी में जो कि गरीब कम्युनिटी हो सकती है कोई एक्सक्लूडेड एथनिक कम्युनिटी हो सकती है कोई रूरल रूरल फ्लंग कम्युनिटी हो सकती है वहाँ पर जो यंग लोग हैं हम उन्हें सोशल एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन और ट्रेनिंग देंगे स्टिल इट्स नॉट स्पेसिफिक कैना तो फिर वो अपनी मिशन स्टेटमेंट को एक्सपेंड करते हैं और वन बाय वन आइडेंटिफाई करके एक लिस्ट देते हैं उन एक्टिविटीज़ को जो इसको अचीव करने के लिए वो करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले वो अपने मिशन स्टेटमेंट जो मिशन uh, स्टेटमेंट में जो एक्टिविटी आइडेंटिफाई करते हैं वो एक एक्सपीरियंसियल करिकुला की डेवलपमेंट की है कि हम एक ऐसा करिकुलम डेवलप करेंगे जो कि यंग लोगों को ना सिर्फ एकेडमिक ट्रेनिंग यानी एक डिग्री फ्राहम करेगा बल्कि उन्हें बिजनेस और लाइफ स्किल्स देगा और ये कोई आम करिकुलम नहीं है ये एक्सपीरियंशल करिकुलम होगा जिसको स्टूडेंट बाय डूइंग सीखेगा ना कि रटा लगा के या असाइनमेंट्स करके जैसे कि आमतौर पर फॉर्मल एजुकेशन के करिकुलम होते हैं दूसरे नंबर पर ऑफ कोर्स इस करिकुलम को डिलीवर करने के लिए उन्हें सोचना है कि किस किस्म की एक्टिविटीज़ होंगी तो वो मिशन स्टेटमेंट को एक्सपेंड करते हैं कि हम टीचर्स और यंग लोगों की ट्रेनिंग करेंगे जो इस करिकुलम को डिलीवर कर सकें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कंपैरेटिवली एक नया फील्ड है लोगों के पास इसमें फॉर्मल डिग्रीज नहीं हैं ऐसे टीचर्स जिनका कोई बैकग्राउंड हो या एप्टीट्यूड हो या उनका कोई नॉलेज हो इस बारे में उन्होंने रिसर्च की हो उनको और यंग लोगों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि अंडरसाउड कम्यूनिटीज़ के यंग लोगों को आगे वो कैसे ट्रेन करेंगे फिर जो एक्सपीरियंशल एलिमेंट है इस करिकुलम का उसको कैसे अचीव किया जाएगा वो अपनी मिशन स्टेटमेंट को एक एक्टिविटी और ऐड करते हैं आगे बढ़ाते हैं कि हम बिजनेस और स्कूल या बिजनेस और एजुकेशन के दरमियान एक पार्टनरशिप डेवलप करेंगे कि फॉर एग्जांपल हम एंटरप्रेन्योर्स को क्लासेस में इनवाइट करेंगे कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें हम अपने स्टूडेंट्स को बिज़नेसेस या एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उनका विज़िट कराएंगे उनका एक्सपोजर देंगे वगैरह वगैरह इसी तरह अब ये सारा कुछ कहाँ और किस किताब से होगा कम्युनिटीज जो स्टेक होल्डर्स हैं यंग लोग ख़ास तौर पर मुख्तलिफ वॉल्टियर्स जो टीचर्स हो सकते हैं खुद स्टूडेंट या इंटरनीस हो सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं उन सबको आपस में लिंक करना इस तरह के वो एक सपोर्टिव नेटवर्क बन जाए जिससे कि वो अपने इस मिशन को आगे बढ़ा सकें फिर यंग लोगों को एक्सपोजर दिया जाएगा उनको प्लेसमेंट लेके दी जाएगी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी मिशन स्टेटमेंट एक स्टेप और बढ़ाती है और फिर आखिरी स्टेप के तौर पे जो मिशन स्टेटमेंट में एडेड है पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम जो हैं वो किए जाएंगे इस जो मुख्तलिफ़ एक तरह से सोशल एंट्रप्रोरियल एजुकेशन और ट्रेनिंग का एक, एक इनिशिएटिव है इसकी अवेयरनेस पब्लिक को दी जाएगी ताकि यूथ जो है अफकोर्स अंडरस कम्युनिटी की यूथ जो है उस तक इन्फॉमेशन पहुंचना भी जो है वो मुश्किल है तो लोगों को यंग लोगों को बच्चों को इन्फॉर्मेशन पहुँच सके हमारी प्रजेंस के बारे में हमारे सोशल इसवेंचर के बारे में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उन तक बेनिफिट पहुँच सके और इम्पैक्ट जो है उसको ऐड या इंक्रीज किया जा सके थैंक यू